आज की क्लास में हम FIR को और आगे बढ़ाते हैं एंड वी विल बी डूइंग FIR पार्ट टू। पार्ट वन के लिए आप इससे पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एविडेंशरी वैल्यू ऑफ FIR। FIR का इस्तेमाल एज एन एविडेंस हम किस तरीके से कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से एविडेंस एक्ट के इंटरलिंकिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या FIR एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। तो इसका जवाब ये है कि FIR सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, मतलब FIR अपने आप में फाइनल और एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मिस्टर ए गए पुलिस थाने में, उन्होंने एक FIR रजिस्टर करा। FIR में जो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो स्टेटमेंट अपने आप में फाइनल या एस्टेब्लिश्ड नहीं है। इनको फाइनल या एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा? ट्रायल में दूसरे एविडेंसेस के कोरोबोरेशन से इनको फाइनल या एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये अपने आप में फाइनल नहीं है अभी। और इसका रीजन क्या है फाइनल ना होने का? स्टेटमेंट एक तो ये ट्रायल में नहीं दी गई है। देखिए अभी क्या है, FIR रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर यहां पर कॉग्निजेंस लिया, इंक्वायरी हुई और उसके बाद आपका यहां पर ट्रायल शुरू हुई। अब जो ट्रायल में जो स्टेटमेंट ली होती है, जो ट्रायल में जो स्टेटमेंट दी गई है, उनकी अपनी अलग वैल्यू होती है। और उसका रीजन क्या है? पहला रीजन वो स्टेटमेंट ऑन ओथ होती है, ठीक है। और दूसरा रीजन वहां पर ऑपोजिट पार्टी को, विपक्षी पार्टी को क्या होता है? अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। और जब आप एक दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने की, तब उस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी जांची जा सकती है। भैया अब तो क्या हुआ, मिस्टर ए आए पुलिस थाने में, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड कर ली। पुलिस ऑफिसर ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उनसे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, तो उस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है ट्रायल के दौरान, तो ट्रायल के दौरान उसकी भैया क्रेडिबिलिटी की ऑथेंटिसिटी है, बिकॉज वो ओथ पर ली गई है और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ऑपोजिट पार्टी को दिया गया, जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी जांची जा सकती है। तो इन तीनों कारण के से, क्योंकि वो ट्रायल में नहीं दी गई है FIR की स्टेटमेंट, ओथ पर नहीं दी गई है और उसका टेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन से नहीं हुआ है, इसलिए वो फाइनल और एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट नहीं मानी जाती। और क्योंकि वो फाइनल और एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट नहीं है, तो भैया वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कौन सा होता है? जो अपने बलबूते कोर्ट में खड़ा रहे। लेकिन FIR की जितनी भी स्टेटमेंट है उनका कॉरोबोरेशन तो हमें दूसरी स्टेटमेंट से लेना पड़ेगा, हमें आई विटनेस ढूंढने पड़ेंगे, हमें और स्टेटमेंट्स लेनी पड़ेगी, हमें और गवाह इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उसके माध्यम से ही हम FIR की स्टेटमेंट्स को फाइनल प्रूव कर सकते हैं। तो FIR की स्टेटमेंट अपने आप अपने बलबूते खड़े होने की काबिलियत नहीं रखती, इसलिए वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। और क्यों नहीं रखती? क्योंकि हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, वो ट्रायल में नहीं दी गई है, तो इसका मतलब उसकी ओथ पे नहीं दी गई, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। तो आई होप दिस इज क्लियर कि FIR सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। अब चलते हैं कि चलिए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है मान लिया, लेकिन पीस ऑफ एविडेंस तो है, तो उस एविडेंस का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटेंटिव एविडेंस और प्रोसीजरल एविडेंस की वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सब्सटेंटिव वैल्यू क्या होगी। देखिए एक मिस्टर ए हैं, इनको मिस्टर बी ने चक्कू से मार दिया। चक्कू लगने के बाद ये सीधा गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद इन्होंने वहां पर अपनी स्टेटमेंट दी कि मेरे को बी ने चक्कू मारा है। पुलिस ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, ए ने उस पर अपने साइन कर दिए। उसके बाद जब पुलिस ए को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो रास्ते में ए की डेथ हो गई। आई होप दी फैक्ट्स आर क्लियर। बी ने ए को चक्कू मारा, ए पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन जाके उसने स्टेटमेंट दी कि बी ने मुझे चक्कू मारा है। पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, ए ने उस पर साइन कर दिया। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो ए की रास्ते में ही डेथ हो गई। तो अब क्या हुआ, जो उसने FIR दर्ज कराई थी उसने किस चीज का रूप धारण कर लिया? डाइंग डिक्लेरेशन का।
तो अगर एफआईआर विक्टिम द्वारा दर्ज की करवाई जाती है जिसमें वो कॉज ऑफ इंजरी के बारे में बता रहा है और उसके बाद वो विक्टिम मर जाए, तो जो स्टेटमेंट एफआईआर की थी वो सेक्शन 32(1) का रूप धारण कर लेगी और वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी। तो सबसे पहले एफआईआर किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, तो इसका एक पहलू हो गया कि वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या देखे, उसके इंग्रेडिएंट्स हमने देखे भैया कि वो विक्टिम द्वारा लॉन्च की गई हो, वो कॉज ऑफ डेथ बताती हो, कॉज ऑफ इंजरी बताती हो, और उसके बाद वो विक्टिम ये स्टेटमेंट देने के बाद गुजर जाए। ठीक है जी, ये आई होप दिस इज क्लियर, सेक्शन 32 में किस तरीके से रिलेवेंट हो जाएगी एफआईआर। अब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट काफी डिटेल में किया था। सेक्शन 8 बात करता है कंडक्ट की। अगर किसी व्यक्ति का कंडक्ट फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई जानकारी देता है, वो कंडक्ट क्या हो जा रहा था, रिलेवेंट फैक्ट हो जा रहा था। ठीक है, अब एक सिचुएशन समझिए, विक्टिम को रॉब किया गया, ये हमने सेक्शन 8 में भी पढ़ा था जो हमने कंडक्ट किया, तो हमने ये एग्जांपल तब भी वहां पर भी पढ़ा था, हम दोबारा पढ़ रहे हैं। विक्टिम को रॉब कर लिया अक्यूज ने, और विक्टिम क्या है, इंजर्ड कंडीशन में, उसको थप्पड़ चट्टू मार रखे, लात घूंसे मार रखे, डंडे मार रखे, और उसको रॉब कर लिया, उसके पैसे छीन लिए, उसका सामान छीन लिया। विक्टिम गया पुलिस स्टेशन, विक्टिम रो रहा है और स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे मारा, मेरा सामान ले गया, और वो बहुत इंजर्ड स्थिति में भी है। ठीक है, अब देखिए जो कंडक्ट है, विक्टिम का जो कंडक्ट है, कौन सा कंडक्ट, पुलिस स्टेशन जाने का कंडक्ट, स्टेटमेंट देने का कंडक्ट, रोते हुए स्टेटमेंट देने का कंडक्ट, ये क्या है, कंडक्ट है। और ये कंडक्ट किसके बारे में बता रहा है, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इश्यू क्या, कि हाँ रॉबरी हुई है, तो ये कंडक्ट क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया। कंडक्ट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8, तो एफआईआर भी सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो गई, क्योंकि एफआईआर ही उसका कंडक्ट के बारे में बता रहा है। आप ये सोचेंगे कि एफआईआर कैसे बता रहे कंडक्ट के बारे में, फिर से क्लियर कर देता हूं। इंसिडेंट के बाद द एक्शन ऑफ मिस्टर ए, जिनके जो विक्टिम है उनका एक्शन पुलिस स्टेशन में जाना और एफआईआर रजिस्टर कराना, ये कंडक्ट हुआ ना, तो इस तरीके से ये कंडक्ट रिलेवेंट होगा। वो कर रहा है ना, वो काम कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, अपने दो फंडे क्लियर हो गए हैं। पहला फंडा क्या क्लियर हुआ है, कि एफआईआर सेक्शन 32(1) का रूप धारण कब कर लेगी, और एफआईआर सेक्शन 8 के अंदर, इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर कब रिलेवेंट होगी, जब वो कंडक्ट के बारे में बता रही है। ठीक है, अब आते हैं अगले पहलू पे। अगला पहलू क्या था, अगला पहलू था जनाब सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है, सेम ट्रांजैक्शन। अगर कोई चीज सेम ट्रांजैक्शन में हो रही है तो वो चीज रिलेवेंट हो रही थी। आई होप यू रिमेम्बर दैट, वो रिलेवेंट फैक्ट हो गई, हमने बहुत डिटेल में किया था, इसलिए इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल द्वारा। इसमें हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक केस किया था दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि ये मिस ए हैं और इनका भाई है मिस्टर बी, ठीक है, और ये हैं मिस्टर एम जिन्होंने मर्डर किया। ये जो मिस्टर एम थे, ये मिस ए को परेशान करते थे, ठीक है, तो बी ने इसको समझाया, भाई तू मेरी बहन को परेशान मत किया कर। ये जो एम थे थोड़े शंकी किस्म के थे, इन्होंने सोचा भाई मैं तो उसको मारूंगा। अब क्या हुआ, इन्होंने, मिस्टर एम ने बी को शूट कर दिया, कहां पर, स्कूल के पास, और जो बहन थी मिस ए वो उसी स्कूल में टीचर थी, और बाय चांस उनका सर्वेंट, ए और बी का सर्वेंट वहीं स्कूल के पास खड़ा था, बाय चांस उस दिन आया हुआ था। तो जैसे ही उसने देखा कि अरे मिस्टर बी ने तो मेरे मालिक, मिस्टर एम ने तो मेरे मालिक बी को मार दिया, तो सर्वेंट ने क्या किया, सर्वेंट गया सीधा स्कूल में भागता हुआ, और उसने ए को ढूंढा और ए को बताया कि यार एम ने तो बी को मार दिया। ठीक है, उसके बाद जब सिस्टर बाहर आई तो उसने देखा कि हाँ एम मरा हुआ है, सिस्टर गई पुलिस स्टेशन में। अब देखिए क्या ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है, हम चेक करते हैं भाई। सबसे पहले गोली लगी, शॉट, सर्वेंट ने देखा, सर्वेंट गया स्कूल, स्कूल में उसने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करते ही लड़की बाहर भाग के आई, बाहर भाग के आके उसने देखा कि मर गया, शी वेंट टू द पीएस एंड इन्फॉर्म्ड, स्टेटमेंट दे दी। तो देखिए सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है,
कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, तो क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है तो सेक्शन 6 में रिलेवेंट हो जाएगा, तो एफआईआर भी सेक्शन 6 में रिलेवेंट हो जाएगी क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन में है। अगर यहां पर ब्रेक आ जाता, मान लो ये देखती है कि हाँ मेरा भाई को तो मार दिया, उसके बाद वो 4 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज कराती है, तो यहां पर ट्रांजैक्शन ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन ब्रेक हुआ तो सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा, अब सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा तो एफआईआर कम से कम सेक्शन 6 में रिलेवेंट नहीं होगी। एफआईआर सेक्शन 6 में रिलेवेंट कब होगी? जब वो सेम ट्रांजैक्शन में रजिस्टर कराई जा रही है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेक्शन 21, इसमें ना काफी एविडेंस के प्रोविजन आ रहे हैं, तो आई होप आपको एविडेंस याद होगा, हम कर चुके हैं। नहीं है तो आप इन प्रोविजंस को जाके एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए आगे चलते हैं, एक सेकंड। चलिए अब हुआ क्या, हम पहुंच गए सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 किस चीज के बारे में बात करता है? एडमिशन। एडमिशन क्या कि कोई अक्यूज्ड एफआईआर दर्ज कराए और उस एफआईआर में कोई फैक्ट एडमिट कर ले, कोई फैक्ट एडमिट कर रहा है, कन्फेशन नहीं कर रहा है। ये आपको डिफरेंस समझना है, कन्फेशन हम अगले टॉपिक पे करेंगे। भाई कन्फेशन का क्या मतलब है कि ए ने, ए जाके कह रहा है कि मैंने बी को मार दिया, ये तो कन्फेशन, इसने क्राइम ही एक्सेप्ट कर लिया, ऑफेंस ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एडमिशन क्या है? एडमिशन, हालांकि कन्फेशन इज अ फॉर्म ऑफ एडमिशन ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, मैं सिर्फ सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट से इसमें डिस्कस करूंगा, बिकॉज एडमिशन और कन्फेशन अपने आप में बहुत डीप टॉपिक्स हैं, तो वहां हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं एडमिशन का क्या मतलब है कि कोई फैक्ट आपने मान लिया। ए ने ये तो नहीं कहा कि भैया मैंने बी को मारा है, लेकिन ए ने ये कह दिया एफआईआर में कि 5 बजे मैं बी के घर के पास था, तो दिस इज नॉट अ कन्फेशन, दिस इज जस्ट एन एडमिशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें क्या होता है, विक्टिम ए पुलिस थाने जाके बोलता है कि साहब मैं अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक तीसरा आदमी आया, रेल में ट्रैवल कर रहे थे हम, तीसरा आदमी आया और उसने हम पर हमला कर दिया और उसने मेरे दोस्त की डेथ कॉज कर दी और उसके बाद वो भाग गया। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं और मेरा दोस्त रेल से ट्रैवल कर रहे थे, एक तीसरा आदमी आया बीच में और उसने हम पर हमला किया, मेरे दोस्त की डेथ कॉज की और वो भाग गया। ठीक है, अब ए ने एक फैक्ट तो एडमिट कर लिया ना कि वो वहां पर प्रेजेंट था, जब भी चाहे वो किसी थर्ड आदमी ने मारा है, किसी फोर्थ ने मारा है, उसने खुद ने मारा है, उसने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं वहां पर प्रेजेंट था। जब ये इंजरी कॉज हुई है, डेथ हुई है, तो मैं वहां पर प्रेजेंट था, ये तो वो मान रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाया गया तो इस चीज के एविडेंस मिले कि जो विक्टिम था का ब्लड ग्रुप था वो उसी ब्लड ग्रुप से मैच कर गया जो ब्लड ग्रुप उसके कपड़ों पे था, ए के कपड़ों पे, और उनको बाकी एविडेंसेस भी मिले जिससे क्लियर हो रहा है कि ए ने ही बी की, अपने फ्रेंड की डेथ कॉज की है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने क्या माना था, अपनी प्रेजेंस मानी थी, तो एफआईआर में ये स्टेटमेंट कि मैं वहां पर प्रेजेंट था, ये क्या हो गया, एडमिशन हो गया और ये सेक्शन 21 में रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, जहां पर क्या था, जो व्यक्ति था अक्यूज जो था वो खुद जाके एफआईआर करा रहा था, उसने उसमें कोई स्टेटमेंट दे दी जो कि एडमिशन है, बेशक वो अपने आप में कन्फेशन ना हो। अब हम देखते हैं कि अगर वो कन्फेस कर दे तो, अब देखिए मिस्टर ए जाते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि साहब मैंने बी का मर्डर कर दिया और वो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, और साथ में वो ये भी कहता है कि जनाब जिस चक्कू से मैंने किया है, नाइफ, वो मैंने बेड के नीचे छुपा रखा है और जो मेरे ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स हैं वो भी मैंने वहीं छुपा रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसने जितनी स्टेटमेंट दी अपने लिए, 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस पे हमें डिस्कशन करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि साहब मैंने उसको मार दिया, दूसरा ये कि जिस नाइफ से मारा वो बेड के नीचे है और जिस ब्लड स्टेन्ड क्लोथ, जो मेरे ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स हैं वो भी बेड के नीचे है, जिस पर विक्टिम के ब्लड के धब्बे हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट कि मैंने मार दिया, आई हैव मर्डर्ड हिम, किल्ड हिम,
ये एफआईआर में स्टेटमेंट अपने किसी काम की नहीं है, क्यों? सेक्शन 25 बीच में आ जाता है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कहता है सेक्शन 25? कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कन्फेशन जो होगा वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लेकिन अगर उससे कुछ डिस्क्लोजर भी दे रहा है, वो डिस्क्लोजर क्या दे रहा है? डिस्क्लोजर दे रहा है कि साहब जो नाइफ है और जो ब्लड स्टेन क्लोथ्स हैं वो बेड पर हैं, बेड के नीचे हैं, तो यहां पर वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी दे रहा है ना। लेकिन सेक्शन 27 डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को अलाउ कर देती है कि अगर किसी स्टेटमेंट से किसी नए फैक्ट का पता चलता है तो सेक्शन 27 कहता है कि वो एडमिसेबल होगा, रिलेवेंट भी होगा। यही तो कह रहा है सेक्शन 27। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो भैया कन्फेशन तो सेक्शन 25 ने बार कर दिया, कन्फेशन में तो काम आएगी नहीं एफआईआर, लेकिन जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसके मामले में सेक्शन 27 अप्लाई हो जाएगा और यहां पर एफआईआर में अक्यूज द्वारा दी गई जानकारी काम में आ सकती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। थोड़ा सा रिवाइंड बैक कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि 32(1) में एफआईआर कब रिलेवेंट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 8 कंडक्ट में कब होगी, उसके बाद हमने देखा सेक्शन 6 सेम ट्रांजैक्शन में कब होगी, उसके बाद हमने देखा सेक्शन 21 एडमिशन में कब होगी, और उसके बाद हमने देखा सेक्शन 27 डिस्क्लोजर और डिस्कवरी स्टेटमेंट में कब होगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका सब्सटेंशियरी यूज वैल्यू ऑफ द एफआईआर। अब देखते हैं प्रोसीजरल एविडेंशरी वैल्यू क्या है। देखिए प्रोसीजरल एविडेंशरी वैल्यू ये है कि जो भी इंफॉर्मेंट होगा एफआईआर का, वो जब अपियर होगा एज अ विटनेस, भाई मिस्टर ए ने एफआईआर दर्ज करा दी, अब ट्रायल में भी तो मिस्टर ए को एज अ विटनेस बुलाया जाएगा ना, उससे पूछताछ होगी भाई। तो देखिए तो एफआईआर का इस्तेमाल किस किस तरीके से हो सकता है। कॉरोबरेटिंग द मेकर का कहने का मतलब है जो प्रोसिक्यूशन का वकील है वो ये कहेगा जनाब देखो ये जो मिस्टर ए हैं इन्होंने जो स्टेटमेंट एफआईआर में दी थी वही स्टेटमेंट ये आज भी दे रहे हैं ट्रायल में, तो देखो ये अपनी स्टेटमेंट नहीं बदल रहे, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कॉरोबरेट कर रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट आज भी वही थी कल भी वही थी। ये किस चीज में हो गया, सेक्शन 157 में, ठीक है। आप मैं बिल्कुल भी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारी चीज अपन ने कर रखी है, तो आप प्लीज जाकर 157 अगर याद ना हो तो देख लीजिए। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि सेक्शन 157 में एफआईआर को कॉरोबरेटिंगली मेकर के इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, अब मिस्टर ए आ गए ट्रायल पे, तो जो डिफेंस के एडवोकेट हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं और कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि देखिए जनाब एफआईआर में तो इन्होंने ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, इनकी बात में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एफआईआर में इन्होंने कहा था कि शाम के 4 बज रहे थे, अब ये कह रहे हैं शाम के 6 बज रहे थे, और क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है तो 4 और 6 में बहुत फर्क है, 4 में ठीक ठाक रोशनी होती है, 6 में थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो ये अपनी स्टेटमेंट ये एक तरीके से मेकर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई। ये किसमें है, सेक्शन 145 में। एफआईआर का हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही जो विटनेस हैं वो भी एफआईआर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कि जी मैं एक बार उसमें कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या स्टेटमेंट दी थी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए जनवरी 2021 में इन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई, लेकिन ट्रायल में इनकी बारी कब आई, क्योंकि ट्रायल का थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, तो ट्रायल में बारी आई इनकी 1 साल के बाद जनवरी 2022 में, तो हो सकता है ना कुछ फैक्ट्स उनके दिमाग से निकल गए, तो विटनेस अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए भी एफआईआर का इस्तेमाल कर सकता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आई होप यू हैव डन इट इन डिटेल बिकॉज यू हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मल्टीपल एफआईआर्स। देखिए मल्टीपल एफआईआर्स क्या होती हैं? अपने पास दो ऑप्शन, दो तरीके हो सकते हैं मल्टीपल एफआईआर का। या तो देखिए सिंगल ऑफेंस हुआ लेकिन उसका जो एफआईआर लॉज हुई वो दो अलग अलग थानों में, दो अलग अलग एफआईआर लॉज हुई, हो सकता है सेम थाने में हुई हो या डिफरेंट थाने में हुई हो। भाई ऑफेंस एक है सिंगल, लेकिन जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो मल्टीपल हुई है एक ही ऑफेंस की। भाई हो सकता है ए ने जाके एफआईआर रजिस्टर करा दी, बी ने भी करा दी, और ये भी हो सकता है कि वो एक ही थाने में हुई हो, सेम पीएस या डिफरेंट पीएस। एक तो हो गया मल्टीपल एफआईआर का एग्जांपल ये, ठीक है।
दूसरा सेवरल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, पहले में हम क्या करते कि सिंगल ऑफेंस, भाई समबडी किल्ड समवन, ये सिंगल ऑफेंस है, लेकिन दूसरी स्थिति क्या कह रहे हैं हम, सेवरल ऑफेंसेस हैं और वो सेवरल ऑफेंसेस सेम ट्रांजैक्शन में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, इस वाले मामले में सेम ट्रांजैक्शन इज द की, सेम ट्रांजैक्शन, सेवरल ऑफेंसेस लेकिन ट्रांजैक्शन सेम है और उनकी सेपरेट एफआईआर हो गई हर ऑफेंस की। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल थेफ्ट का मामला ले लीजिए, भाई चोरी जो हुई वो पुलिस स्टेशन वन की जुरिस्डिक्शन में हुई, लेकिन चोरी का माल कहां मिला, पुलिस स्टेशन टू की जुरिस्डिक्शन में। अब एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन वन पे भी हो सकती है और पुलिस स्टेशन टू पे भी, हमने पढ़ा था ये जब हमने क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में जिक्र किया था कि एफआईआर कहां होगी, तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि दैट इज कोर्ट टर्मिनस विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एरिया मजिस्ट्रेट, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो पीएस वन पीएस टू यहां पर दोनों जगह हो सकती है और मान लीजिए दोनों जगह हो गई, पीएस वन में भी हो गई और पीएस टू में भी हो गई, तो ये भी किसी का एग्जाम्पल है मल्टीपल एफआईआर। भाई सिंपल सी बात है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है एक से ज्यादा एफआईआर हो जाना, तो एक से ज्यादा एफआईआर कब होगी, या तो ऑफेंस सिंगल है तो भी हो सकती है भाई, और मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफेंसेज है तो सिर्फ और सिर्फ कब होगी, जब सेम ट्रांजेक्शन में ऑफेंस हुए हो। ठीक है, अब आप मुझे एक प्रॉब्लम का जवाब सोच के बताइएगा। प्रॉब्लम ये है कि ए ने चीटिंग करी बी के साथ जनवरी 2021 में, उसके बाद ए जबरदस्ती बी के रेजिडेंस में घुस गया, ट्रेसपास कर दिया फरवरी 2021 में, एक महीने के बाद, और मार्च 2021 में ए ने बी को मार दिया, तो क्या ये मल्टीपल एफआईआर का मामला है? अगर इसमें एफआईआर वन, एफआईआर टू और एफआईआर थ्री, तीन एफआईआर हुई है, तो क्या ये मल्टीपल एफआईआर का मामला है? वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए, उसके बाद इस पे मैं जवाब देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तीन चीज ए ने बी के साथ की है और इसमें तीन एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या ये मल्टीपल एफआईआर का मामला है या नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है, ये मल्टीपल एफआईआर का मामला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जब मल्टीपल ऑफेंसेस होंगे, अगर ऑफेंसेस मल्टीपल हैं तो वो सेम ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। यहां पर आप देखेंगे यहां पर ट्रांजैक्शन सेम नहीं है, भाई चीटिंग का और स्ट्रेस पास का क्या लेना देना, वो भी एक महीने के गैप के बाद, और ट्रेसपास का और स्किलिंग का क्या लेना देना, वो भी एक महीने के बाद, तो इसका मतलब ये सेम ट्रांजैक्शन में नहीं हुए, ये क्या हो गए, डिफरेंट ऑफेंसेस एंड डिफरेंट ट्रांजैक्शन। लेकिन मल्टीपल एफआईआर के लिए क्या जरूरी था, मल्टीपल या डिफरेंट ऑफेंसेस एंड सेम ट्रांजैक्शन। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ए जबरदस्ती बी के घर घुसा, ट्रेसपास किया और घुस के उसने बी को किल कर दिया, तो ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं ना, ट्रेसपासिंग और किलिंग उसी दिन हुआ है, सेम ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये मल्टीपल एफआईआर में आ जाता, लेकिन ये मल्टीपल एफआईआर में नहीं आएगा बिकॉज यहां पे ट्रांजैक्शन जो था वो सेम नहीं था। ठीक है, सेपरेट एफआईआर फाइल फॉर ईच ऑफ दीज ऑफेंसेस, विल इट बी अ केस ऑफ मल्टीपल एफआईआर, यही वही सवाल है, आंसर इसका वही है जो मैंने आपको बताया, नो दिस इज नॉट ए केस ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज इन सेम ट्रांजेक्शन, इट इज अ केस ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन, और डिफरेंट ट्रांजेक्शन है तो सेम ट्रांजेक्शन नहीं है और हमें मल्टीपल एफआईआर के लिए सेम ट्रांजेक्शन मैंडेटरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि भैया मल्टीपल एफआईआर में किया क्या जाए। अब मान लीजिए ए जो है वो अक्यूज है, उनके अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर हो गई तीन थानों में, पीएस वन टू और थ्री। अब वो यार पीएस वन में भी जा रहे हैं जवाब देने के लिए, टू में भी जा रहे हैं, थ्री में भी जा रहे हैं, और यहां पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो दिक्कत होगी ना, और सेम ऑफेंस है। मान लीजिए ऑफेंस डिफरेंट है तो सेम ट्रांजेक्शन है, जिनकी की एक साथ जांच हो सकती है, तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, 482 में क्वेश्चन की एफआईआर लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई साहब सिर्फ एक एफआईआर आप रख लीजिए, बाकी एफआईआर को क्वैश कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, हाई कोर्ट
482 की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे पहली एफआईआर थी विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154 जो अपने आप में कंप्लीट एफआईआर है उसको तो रख लेंगे और बाकी सब एफआईआर को क्वैश कर देंगे। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। मल्टीपल एफआईआर के केस में आपको क्या करना है, हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाओ 482 में, और हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर आपकी एप्लीकेशन में सब्सटेंस है तो वो जो सबसे पहली एफआईआर है जो सारी रिक्वायरमेंट 154 की फुलफिल कर रही है उसको रख लेगा और बाकी एफआईआर को क्वैश कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर हमने समझ लिया, अब देखा जाए तो क्रॉस एफआईआर भी मल्टीपल एफआईआर का ही एक टाइप है। क्रॉस एफआईआर क्या होता है भाई, ए ने बी को मारा, बी ने ए को मारा, लड़ाई होगी इनकी, फाइट। अब भाई ए ने जाके एफआईआर दर्ज करा दी और वो अपनी स्टेटमेंट में क्या कहेगा कि जी बी ने मुझ पे हमला किया। बी ने अपनी एफआईआर जाके दर्ज करा दी, बी क्या बोलेगा, जी ए ने मुझ पे हमला किया। तो वो दोनों अपना अपना वर्जन देंगे, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर हो गई और बोथ क्या अलेज कर रहे हैं कि साहब दूसरे वाले ने हमला किया है, मैंने हमला नहीं किया, मैं तो डिफेंस कर रहा था। बोथ अलेजिंग द अदर टू बी द एग्रेसर। ठीक है, ये सेम पुलिस स्टेशन में भी हो सकती है और डिफरेंट पुलिस स्टेशन में भी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, देखिए जब भी आपको कोई चीज समझ में ना आए ना तो आप नाम से उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या देखा, क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर क्या है, ए बी के ऊपर कर रहा है, बी ए के ऊपर कर रहा है, ए की ऑफेंस में ए की इंसिडेंट ए की हुआ है। ठीक है, ए अपना वर्जन बता रहा है पुलिस को, बी अपना वर्जन बता रहा है, तो क्या ऐसे में क्वैश हो सकती है? इसका जवाब है क्वैशिंग नहीं होगी इसमें। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या ऑर्डर हो सकता है कि भैया जो भी जो बोथ ही एफआईआर्स हैं, जो क्रॉस एफआईआर्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन सेम आईओ करे, एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। भाई लॉजिकल भी है, एक ही इंसिडेंट को लेकर एफआईआर हुई है, एक एफआईआर में कुछ कहा गया, एक में कुछ कहा गया है, तो बेहतर होगा ना कि एक ही आईओ इन्वेस्टिगेशन करे, इंस्टेड ऑफ कि एक आईओ उस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक आईओ उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऐसे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा ही। तो बेहतर होगा कि एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले और उसके बाद जो दोनों केसेस हैं, क्योंकि एफआईआर तो दो ही हैं, क्रॉस हैं तो केस दो होंगे, उनको ट्राई किया जाए एक ही कोर्ट के द्वारा, इन अ सिंगल ट्रायल। एक ही ट्रायल में उनका निष्कर्ष मिल जाएगा भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो क्रॉस एफआईआर में हमें सिर्फ इतना समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। दूसरी बात हमने समझनी है, 482 में क्वेश्चन इसकी नहीं हो सकती है क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन ठीक कह रहा है कौन नहीं कह रहा, वो तो ट्रायल से पता चलेगा। लेकिन इसमें इतना हो सकता है और इतना होना भी चाहिए कि सेम आईओ, सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनकी जांच करे और उसके बाद सेम कोर्ट और सेम ट्रायल चले, ताकि कोई कंफ्यूजन आ रही। इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए एक एफआईआर तो चल रही है जो ए ने की है वो चल रही है कोर्ट वन में और दूसरी एफआईआर चल रही है कोर्ट टू में। अब ये देखिए पैरेलल चल पड़ी ना प्रोसीडिंग्स, और इसमें मान लीजिए कुछ जजमेंट आ गई, इसमें कुछ आ गई, तो जजमेंट ऑपोजिट होगी, किसकी मानोगे? तो बेहतर है कि आप एक ही कोर्ट में चला लो, एक ही कोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट इज वेरी लॉजिकल, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एफआईआर को लेके, जो मेरे अनुसार लास्ट टॉपिक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहता है कि मान लीजिए फोन पे किसी ने जानकारी दी, पुलिस थाने में फोन किया किसी ने और किसी ऑफेंस के बारे में बताया, तो क्या वो एफआईआर मानी जाएगी? क्योंकि हम तो शुरुआत से ही कह रहे थे ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो किसी ने दी है, किसको दी है, ऑफिसर इंचार्ज को दी है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बता रही है, तो क्या टेलीफोन द्वारा दी गई जानकारी भी एफआईआर मानी जाएगी? सवाल ही। ठीक है, अब इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इसमें हमें दो एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि फंडा क्लियर हो जाए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल ध्यान से समझोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल समझोगे। भैया क्या हुआ, एक बिजी मार्केट है, ये थोड़ा सा अलग इकट्ठा हो गया, बिजी मार्केट है, बिजी मार्केट में एक मर्डर हो जाता है, एक आदमी हमें नहीं पता कौन है, मार्केट से ही शॉपकीपर है वो वहीं का कोई, वो टेलीफोन करता है पुलिस थाने में, इन्फॉर्म करता है ऑफिसर इंचार्ज को
कि भाई ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है, उसको ये नहीं पता कि मर्डर किसका हुआ है, अक्यूज कौन है, विक्टिम कौन है। मैं बिजी मार्केट है, पुलिस में किसी ने भी शॉपकीपर ने फोन कर दिया, ठीक है। अब पुलिस वाले ने क्या किया, उस रिकॉर्ड स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया डेली डायरी। अब डेली डायरी का एक वो समझ गया, 99% मैं 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसको बोलते हैं रोज नामचा। डेली डायरी में क्या होता है, पुलिस अपनी हर डेवलपमेंट रिकॉर्ड करती है, हर डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आई, उसके बाद वो उसको देखने के लिए गए, तो एक डायरी रखी होती है जिसमें वो उसकी रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास ये जानकारी आई, इतने बजे आई, वहां से आई, इस नंबर से आई, उसके बाद मैं मौका वारदात पर जा रहा हूँ तफ्तीश करने के लिए, देखने के लिए कि क्या है असलियत क्या है। तो उन्होंने डेली डायरी में इस चीज को रिकॉर्ड किया और वो अपने स्पॉट पे पहुंच गए। स्पॉट पर पहुंचने के बाद इनको मिले मिस्टर ए, जिनको डिटेल में पता था एक्सीडेंट क्या हुआ है और कौन विक्टिम है, कौन अक्यूज है, वो उन्होंने उसको रिकॉर्ड करा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है, अपने पास दो बार इंफॉर्मेशन आई है। पहली इंफॉर्मेशन तो आया टेलीफोन, और दूसरी इंफॉर्मेशन जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची जो मिस्टर ए ने इंफॉर्मेशन दी। अब पुलिस तो ये कह रही है कि जनाब ये एफआईआर है, इसके बेस पर हम एफआईआर करेंगे, इसके बेस पे नहीं करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगले स्टेप पे ये मैं बताऊंगा कि भाई इसको मानने से या इसको मानने से प्रॉब्लम क्या है, चाहे इसको मानो एफआईआर या इसको मानो। इतना डिबेट क्यों हो रहा है, डिबेट हो रहा है क्योंकि समथिंग वेरी सब्सटेंशियल है, क्यों है कैसे वो हम देखेंगे, लेकिन पहले आप एग्जांपल ही देखते रहो। आई होप दिस इज क्लियर कि एक इंफॉर्मेशन टेलीफोन से आई और एक इंफॉर्मेशन होगी भाई जो वहां पे जाके रिकॉर्ड करी है। दूसरा एग्जांपल, पीओ रिसीव्ड एन एनोनिमस टेलीफोन मैसेज, एक एनोनिमस टेलीफोन मैसेज है, उसने ये भी नहीं बताया मैं कौन बोल रहा हूं कौन नहीं, और बताया कि भैया फायरिंग हुई है यहां पर टैक्सी स्टैंड पे। ये नहीं बताया किसी को गोली लगी किसी को नहीं लगी, एक फोन आया, हाँ जी थाने से बोल रहे हो, हाँ जी थाने से बोल रहे हैं, भाई साहब यहाँ ना टैक्सी स्टैंड से बोल रहे हैं यहाँ पे फायरिंग होगी, बस उन्हें फोन रख दिया। उसके बाद पीओ प्रोसीड टू द स्पॉट, रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट देयर, वही हुआ है भाई, एक तो अपने पास पहली इंफॉर्मेशन आई, फिर पीओ वहां पे गया, पीओ ने वहां पे जाके क्या कहते हैं छानबीन की, तो छानबीन करके जो मिस्टर ए बी जो भी मिला उसकी स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कर ली और इसको उन्होंने एफआईआर मान लिया, जबकि रिकॉर्डिंग इसकी भी हुई है कहां पे, डेली डायरी में। क्यों, क्योंकि डेली डायरी में हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है, पुलिस के पुलिस थाने में होती है। इसमें ये बोलेगा कि ऐसे ऐसे इस नंबर से फोन आया, उसने ये सूचना दी, इसलिए मैं मौका वारदात पे जा रहा हूं, ठीक है। तो डेली डायरी में रिकॉर्ड हो गया और ये उसने एफआईआर में रिकॉर्ड मान लिया। तो सवाल फिर वही है कि भैया इसको एफआईआर क्यों नहीं मान रहे। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं, एक फोन आता है, वो कहता है प्लीज कम टू फ्लैट नंबर 1015 कैफे कॉफी डे सोसाइटी, माय डॉटर हैज बीन किल्ड, द फादर ऑफ द डिसीज सेड ऑन टेलीफोन टू द पीओ, पिताजी ने फोन कर दिया। पीओ रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन इन द डेली डायरी एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, ऑन रीचिंग द स्पॉट पीओ रिकॉर्डिंग द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द मदर ऑफ द डिसीज, वही हो रहा है भाई यहाँ पे हुआ, मेरी डॉटर को मार दिया और कुछ नहीं बताया। पुलिस वहां पे पहुंची तो सारी स्टेटमेंट ली, कौन आया कैसे आया, क्या लड़की अकेली थी, ठीक है कौन था, क्या आप जानते हो, मतलब सारी उन्होंने डिटेल में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर भी अपने पास दो स्टेटमेंट आ गई, एक टेलीफोन वाली और एक जो वहां पे जाके वो रिकॉर्ड कर रहा है, हम टेलीफोन पढ़ रहे हैं। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, कई बार फ्लो में आदमी दूर निकल जाता है, भूल जाता है कि हम पढ़ गए, हम टेलीफोन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल फोन फोर पे, भैया पीओ के पास इंफॉर्मेशन आई शाम के 5:45 पे, टेलीफोन से आई, क्या कहा कि दो आदमी थे जो कि मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने एक आदमी पे हमला कर दिया, मार्केट में मरा है जी रहा है क्या है कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बोला कि जी दो आदमी आए मोटरसाइकिल पे आए और मार्केट में एक आदमी पर हमला कर दिया, मान लो ए पे हमला कर दिया। और स्टेटमेंट कितने बजे आई है, 5:45 पे टेलीफोन ही आए भी। उसके बाद वही वही हुआ, डेली डायरी में रिकॉर्ड किया, प्रोसीड टू द स्पॉट किया, रात को 11:45 पे सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट कंप्लेनेंट की रजिस्टर की गई, जो ए था अक्यूज्ड, सॉरी विक्टिम है ये, जिसका मर्डर हो गया, इसका भाई बी
बी इसके साथ ही था। तो बी ने 11:45 पर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई एज ए कंप्लेनेंट कि जनाब ये चार लोग थे टोटल जो कि इस अटैक में शामिल थे। ठीक है, अब समस्या क्या आ रही है, देखो समस्या मैं बताता हूं। पहली स्टेटमेंट आई 5:45 पे, दूसरी स्टेटमेंट 11:45 पे। 5:45 की स्टेटमेंट में क्या था कि टू पीपल, और इस स्टेटमेंट में क्या है फोर पीपल। तो डिफेंस का ये आरोप था कि जनाब इन्होंने इंप्रूवमेंट कर ली अपनी स्टेटमेंट में, देखिए दो पीपल की बात कही गई थी लेकिन ये तो चार पीपल बता दिए इन्होंने एफआईआर में, क्योंकि इसको एफआईआर माना गया था। तो ये डिफेंस ये कहना चाहता है कि जनाब एफआईआर ये नहीं थी, एफआईआर ये थी जो 5:45 पे आई। अब मैं आता हूं कि ये मुद्दा जरूरी क्यों है, उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। स्पेस मिल जाए तो कहीं समझा दें, चलो यहीं स्पेस बनाते। देखो एक सेकंड भाई रबड़, अपने पास ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है, पूरा सिस्टम है, रबर भी है, पेन भी है, पेन के कलर भी हैं, रोते हुए मैंने चलाना ना आता, एक नंबर की चीज है। ठीक है, ये बात का देख लो भाई, ये क्या करेंगे इसमें। हाँ देखो अब क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट आई है टेलीफोन से और ये स्टेटमेंट आई है जो वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, जिसको पुलिस ये बोल रही है कि जी हम तो इसको एफआईआर मानेंगे। डिफेंस इस बात पे जोर लगा रहा है कि जनाब एफआईआर इसको मानो। डिफेंस का क्या फायदा होगा अगर इसको एफआईआर मान लेंगे तो? डिफेंस का फायदा ये होगा कि अगर ये एफआईआर है तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन यहां से शुरू हो चुकी है, और अगर इन्वेस्टिगेशन यहां से शुरू हो चुकी है तो उसके बाद आने वाली कोई भी स्टेटमेंट उसका उपयोग नहीं हो सकता, 162 का बार लग जाता है उस पे, स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है जिसको पुलिस इतनी तवज्जो दे रही थी वो स्टेटमेंट इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। अगर डिफेंस ये प्रूव कर दे कि जनाब एफआईआर तो ये है, और क्योंकि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो इन्वेस्टिगेशन में ये स्टेटमेंट बार हो जाएगी, और अगर पुलिस ये प्रूव करने में कामयाब हो जाए जो पुलिस का पक्ष है कि साहब एफआईआर ये है, तो इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू मानी जाएगी, यहां से। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो ये असली मुद्दा रहता है। अब हम देखते हैं कि इस मुद्दे का सोल्यूशन क्या है। देखिए, वेदर द टेलीफोन मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एफआईआर डिपेंड्स अपॉन वन पर्टिकुलर थिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग। अगर टेलीफोन मैसेज क्रिप्टिक है या टेलीफोन मैसेज क्रिप्टिक नहीं है, अब हम आ गए हैं सारी कहानी क्रिप्टिक पर आके टिक गई है कि क्रिप्टिक क्या होता है। तो अब देखते हैं कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन विच इज वेग एंड ऑब्स्क्यूर, वो इंफॉर्मेशन जो क्लैरिटी से आपको कुछ बता ही नहीं रही है, जो कि बहुत बहुत वेग है, जिससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या, बस हाँ थोड़ा सा आइडिया मिल गया। जैसे भाई शॉपकीपर ने कहा जनाब गोली चल गई है, भाई गोली चली, किसने चलाई, किसको मारी, किसको चोट लगी, क्या हुआ, कुछ पता थोड़ा ना चल रहा है, बस उसने होम ले लिया जनाब टैक्सी स्टैंड पे गोली चल गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है, और कई बार तो 99% केसेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन देने वाला अपना नाम भी नहीं बताता, खुफिया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वहां पर ये हो गया, ऑफेंस हो गया, अब पुलिस किसको पकड़े, किससे जांच करे यार। तो ये क्या होगी, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन में मैं वही जो अभी मैंने आपको समझाया वही यहां पर नोट्स में लिखा है, मैं वही वहां से भी पढ़ देता हूं। द इंटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेंट इज नॉट टू लॉज द एफआईआर, उसकी इंटेंशन एफआईआर लॉज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कराने की उसकी इंटेंशन नहीं है, वो मेयरली सिर्फ पुलिस को बता रहा है कि एक ऑफेंस हुआ है, आप प्लीज ऑन द स्पॉट पहुंच जाइए। तो यहां पर जो इंफॉर्मेंट है जो टेलीफोन कर रहा है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि एफआईआर लॉज हो और पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, उसकी इंटेंशन सिर्फ यह है कि पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंच जाए, वहां पर जाके देख ले मेरा काम खत्म भाई, मैं क्यों पछड़े में पड़ूं, फिर पुलिस मुझे गवाह बनाएगी, मुझे ट्रायल में आना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं भाई, मैं अपना इतना बता देता हूं कि जी वहां पर कुछ ऑफेंस हुआ है, आप जाके देख लो, पुलिस वहां पे जाके देखेगी तो बता देगा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। ठीक है, तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जी, ये क्या है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जिसके हमारे पास
कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई भी उसमें क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो वेग है। ठीक है, अब आ जाइए सुजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में क्या कहा कोर्ट ने। देखिए ये जो टॉपिक है ना टेलीफोन क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, ये सारा टॉपिक जो अभी हम कर रहे हैं, इसका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, काफी लेटेस्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मेरा कहना ये है कि आप जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो लिखें, तो साथ में मैं सिर्फ दो आपको इसमें जजमेंट दूंगा, दोनों आपको याद करनी है, दोनों आपको याद होनी चाहिए, उसमें से एक तो है ये सुरजीत सरकार वाली और दूसरी मैं आपको दूंगा मार्च 2021 की जजमेंट। यहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है, आप सोचिए मान लीजिए आपका पेपर जून में है और जून में अगर आप मार्च 2021 की जजमेंट दे रहे हैं और उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं तो सोचिए एग्जामिनेशन के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि ही इज रियली अपडेटेड और दिस स्टूडेंट इज वर्क हार्ड। तो ये जो मार्च 2021, हालांकि इसमें कुछ नई बात नहीं कही गई, जो पहले की जजमेंट थी उन्हीं को कहा कि ये जजमेंट पहले भी आ चुकी है और हम आज भी हमारा यही स्टैंड है, जो स्टैंड हम देखेंगे क्या स्टैंड है। ठीक है, तो दो जजमेंट हमें इसमें करनी है। पहली जजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली जजमेंट में बात ये कही गई कि जो अगर हम बेयर रीडिंग भी करें सेक्शन 154 की, जिसमें एफआईआर रजिस्टर होती है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं एफआईआर रजिस्टर करने की। वो क्या प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है कि भैया एक तो आप इंफॉर्मेशन को रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी कि आप रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे, पहली फॉर्मेलिटी। दूसरी फॉर्मेलिटी आप रीड ओवर करेंगे कि आप उसको पढ़ के सुनाएंगे। तीसरी फॉर्मेलिटी आप उसका सिग्नेचर लेंगे। ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप देखिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर पर्सन अननोन होते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ रीडिंग ओवर दैट इंफॉर्मेशन टू द एनोनिमस इंफॉर्मेंट वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उसके सिग्नेचर नहीं लिए जा सकते, और तीसरी बात क्या है कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सॉरी उसके सिग्नेचर नहीं लिए जा सकते, उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। तो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं हो पाती है उस मामले में जिसमें टेलीफोनिक किसी ने इंफॉर्मेशन दी है। तो सुजीत सरकार ने प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज के इश्यूज भी बताए। अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन पे। देखिए कॉन्क्लूजन क्या कहता है, अगर इंफॉर्मेशन क्रिप्टिक है, हम दो कैटेगरीज कर रहे थे, पहली कैटेगरी कौन सी, अगर जो टेलीफोन मैसेज आया वो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है, मतलब वेग है, क्लियर नहीं है, और दूसरा नॉट क्रिप्टिक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्रिप्टिक कर रहे हैं, नॉन क्रिप्टिक को हम 5 मिनट बाद देखेंगे। क्रिप्टिक के बारे में क्या कहानी क्लियर है, अब हम कॉन्क्लूजन पे आ चुके हैं। कहानी क्लियर ये है, जो फॉर्मेलिटी है एफआईआर की वो नहीं कंडक्ट की जा सकती, बल्कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर कैन ओनली गो टू द स्पॉट टू एग्जामाइन वेदर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। देखिए अगर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन आती है टेलीफोनिक, तो जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि मैंने बताया किसको पढ़ के सुनाओगे, किसके सिग्नेचर लोगे, क्योंकि वो बंदा तो टेलीफोन पे था। तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो ऑन द स्पॉट जाए। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट चला जाता है। सच क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन डज नॉट पर से मेक से पीओ स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। आप देखिए यहां पर पुलिस ऑफिसर को कुछ भी आइडिया नहीं है कि सच्ची है, झूठी है, क्या हुआ है, क्या नहीं है, उसके पास सिर्फ एक चीज है कि वो स्पॉट पे जाके देखेगा। तो यहां से इन्वेस्टिगेशन जो है, जैसे ही टेलीफोन आया है इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है। दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। व्हाई दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज यहां पर अभी उसे कुछ क्लियर ही नहीं है, वो तो स्पॉट पे जाके देखेगा ना, मौका है वारदात पर जाके देखेगा कि भैया वहां पर कुछ मामला बनता है भी या नहीं बनता है। तो इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है। पीओ क्या करेगा, पीओ स्पॉट पे जाएगा, स्पॉट पर जाकर वो वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसके पास जानकारी है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और उसकी स्टेटमेंट एज एन एफआईआर रजिस्टर होगी। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखिए भैया टेलीफोन आया, टेलीफोन आने के बाद एक सेकंड रुकिए, मैं बता दूं, एक सेकंड पानी पी लूं भाई।
तो भैया ये अपना आप क्लियर हो चुका है कि तो वहां पर स्पॉट पर देखिए, जब टेलीफोन आया है, टेलीफोन आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी आईओ को, पुलिस ऑफिसर को यही नहीं पता भाई कौन मरा है, किसने मारा है, क्या स्थिति है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, वेग है, क्रिप्टिक है। जब उसके पास पूरी जानकारी होगी तभी तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा ना। तो इन्वेस्टिगेशन उसने क्या किया, वो अपना तभी की तभी निकल लिया स्पॉट पे। स्पॉट पे जाकर वो पूछताछ करेगा और स्पॉट पर पूछताछ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, ठीक है। तो ये जो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जो टेलीफोन के रूप में आई है, ये एफआईआर नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये सिर्फ क्या काम कर रही है, पुलिस को बता रही है कि कोई ऑफेंस हुआ है। पुलिस स्पॉट पर जाकर चेक करेगी और वहां पर जानकारी लेने के बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इसमें, सिंस द फर्स्ट क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एफआईआर, जैसे मैंने आपको बोला कि जो पहली क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है वो एफआईआर नहीं है, इट्स नॉट एन एफआईआर, rather the second statement is an FIR. The second statement will not be said to be statement made to the police in the course of investigation and hence it will not be hit by section 162. हम यही तो बात कर रहे थे ना, हमें यही तो issue आ रहा था कि भैया अगर हमने telephone वाली statement को FIR मान लिया तो ये जो बाद में spot पर जाकर जो statement record की है ये 162 का बाड़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको एफआईआर मानेंगे तो 162 का बार इस पर नहीं लगेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसके बाद शुरू हुई है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्योंकि ये पहली क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एफआईआर नहीं है तो जो स्पॉट पर जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उस पर 162 का बार नहीं रहेगा। सच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू कॉरोबरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस व्हेन ही गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है जी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा अगला टॉपिक नहीं, मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में, अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन जो आई है टेलीफोन मैसेज से वो क्रिप्टिक नहीं है, वो सब कुछ जानकारी दे रही है, वो बता रही है अक्यूज कौन है, वो बता रही है जनाब मेरा नाम ये, इन्फॉर्मेंट अपना नाम भी बता रहा है, अक्यूज का नाम भी बता रहा है, विक्टिम का भी बता रहा है, सारी जानकारी दे रहा है। अगर ऐसी बात है, अगर वो डिटेल्ड में सारी जानकारी देता है, अपनी आइडेंटिटी भी देता है, तो वही स्टेटमेंट एफआईआर का रूप धारण कर लेगी और उस स्थिति में टेलीफोनिक मैसेज भी एफआईआर मानी जाएगी, ठीक है। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। सारा खेल किस चीज पर डिपेंड करता है, सारा खेल इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो टेलीफोन आया है वो क्रिप्टिक है या नहीं है, ये वेग है या नहीं है। अगर तो वो क्रिप्टिक है तो एफआईआर नहीं मानी जाएगी, और अगर वो क्रिप्टिक नहीं है तो एफआईआर मानी जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब इसको खत्म करते हैं। रिसेंटली इन नेताजी अच्युत शिंदे वर्स एंड अनदर वर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 सुप्रीम कोर्ट, ये मार्च की जजमेंट है जी। द एससी ऑब्जर्व दैट अ क्रिप्टिक फोन कॉल और मैसेज विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन Not clearly specifying the offense cannot be treated as FIR. ये concluding statement अपनी हो गई और इसमें ये case law आप mark कर लीजिएगा। तो अब हम इसके end पे पहुंचे और इसको end करने के लिए मैं last बार इसको एक बार और आपके लिए remind करा देता हूँ। देखिए, जनाब telephone आया, अब telephone FIR माने या ना माने ये किस बात पे depend करेगा कि जो telephone की information थी वो cryptic थी या क्रिप्टिक नहीं थी, नॉट क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का हमने क्या मतलब देखा, जो वेग हो, जो क्लैरिटी ना हो, जो बताई ना पा रही हो, जिससे चीजें क्लियर ही ना हो पुलिस को कि क्या हुआ है, किसको मारा है, किसने मारा है, कहां मारा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो अगर तो वो क्रिप्टिक है तो वो एफआईआर जो है वो नहीं होगी। क्या होगा, पुलिस निकलेगी स्पॉट पर, जाएगी स्पॉट पर, पहुंच गई वहां पर, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, इस स्टेटमेंट को माना जाएगा एफआईआर, इस स्टेटमेंट को माना जाएगा एफआईआर और यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर वो क्रिप्टिक नहीं है, मतलब वो क्लियरली बता रही है सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेंट भी अपने बारे में बता रहा है कि जनाब मैं ये हूं, मान लीजिए बाद में इंफॉर्मेंट
को आपको ट्रायल के लिए बुलाना पड़े तो इज अवेलेबल, उसके साइन लिए जा सकते हैं, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एफआईआर हो जाएगा। तो अगर तो टेलीफोनिक मैसेज क्रिप्टिक है, इन जानकारी नहीं दे रहा है, तो उसको एफआईआर नहीं माना जाएगा, और अगर वो क्रिप्टिक नहीं है, सारी जानकारी दे रहा है, तो उसको एफआईआर माना जाएगा। विद दिस वी एंड आर दिस क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।